दोस्तों मेरा नाम आमिर है और आप देख रहे हैं आमिर ब्लॉग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको अपने गांव के काफ़ी महान शख्स से मिलाने वाला हूं, जो दिन भर जो है काफ़ी मेहनत करते हैं और काफ़ी परिश्रम के बाद जो है इनका बकरी चलाने का स्टाइल है कुछ अलग है। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से, तो चलो चलते हैं फिर दिखाते हैं। पहले दोस्तों देख सकते हैं वही शख्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। देख सकते हैं इनके पास कितनी बकरियाँ हैं, सात बकरी हैं टोटल। और ये अकेले ही सात बकरी हैंडल करते हैं। पूरा डंडा क्यों लिए, इतने मोटे तो मार देंगे तो आप मारने के लिए। अच्छा, जानवर जो है बकरी को चोट ना पहुंचा इसीलिए। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो है बकरी को चराने आए हैं जंगल में। अगर जंगल में कोई जानवर अगर बकरी को पकड़ता है तो उसी डंडे से जो है उसको मार देंगे। तो यही जो है परवेज भाई हैं, जो कि हमारे गांव के काफ़ी मेहनती और काफ़ी होनहार लड़के हैं। दोस्तों ये पढ़ाई भी कर रहे हैं, परवेज भाई की नहीं, हाँ यस बोल रहे हैं, दोस्तों देख सकते हैं इनकी चेहरे पे चमक ही देखिए दोस्तों इनकी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। इंग्लिश यस जो है ये हाँ भी बोल सकते थे पर ये हाँ नहीं बोले दोस्तों, ये यस बोले बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जो गांव के लड़के होते हैं दोस्तों वो जो है हिंदी ही बोलते हैं, तो ये जो है इंग्लिश में बोल रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं जो काफ़ी लोग कहते हैं कि गांव वाले जो है बकरी ही चराते हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, वो इंग्लिश भी बोलना चाहते हैं। तो ये परवेज भाई ने हमें बताया दोस्तों, आप देख सकते हैं परवेज भाई। तो परवेज भाई आप कितने समय से, कितना मतलब आपका रूटीन कैसा रहता है, कितने समय खोलना है बकरी को, कितना समय नहीं? 2 बजे खोलता हूँ और 5 बजे हक ले जाता हूँ। अच्छा 5 बजे। तो दोस्तों देख सकते हैं 2 बजे खोलते हैं और 5 बजे। और सुबह क्या करते हैं परवेज भाई आप, सुबह से जब उठकर? सुबह घूमता हूँ। अच्छा सुबह घूमते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी जो है पढ़ाई बंद है, ना। तो दोस्तों देख सकते हैं परवेज भाई की अभी पढ़ाई बंद है दोस्तों, क्योंकि किस क्लास का पेपर आपने दिया? 10। तो दोस्तों देख सकते हैं हाई स्कूल का पेपर, मतलब 10वीं का पेपर इन्होंने दिया है। और काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों, क्योंकि ये पढ़ाई भी कर रहे हैं और बकरी भी चरा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। हम भी कभी ऐसे छोटे थे, हम भी बकरी चराने आते थे दोस्तों। गांव में अक्सर जितने लड़के होते हैं वो बकरी चराने आते रहते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आपको भी दिखाया जाए परवेज भाई। और परवेज भाई काफ़ी मेहनती लड़के हैं और जो है बकरी चराने में बिजी रहते हैं, 2 बजे से 5 बजे तक चराते हैं। और सुबह जो है ये अपना जो घर का काम होता है वो भी करते हैं और जो है घूमने भी जाते हैं दोस्तों। तो परवेज भाई रोजा चल रहा है, रोजेदार नहीं है ना, रोजा तो नहीं है? तो दोस्तों देख सकते हैं परवेज भाई रोजा नहीं, क्योंकि धूप में दोस्तों बकरी चराना पड़ता है तो इसीलिए प्यास भी लग जाती है। तो हो सकता है अभी छोटे बच्चे हैं दोस्तों। और इस साइड देख सकते हैं काफ़ी भारी जंगल है, अकेले ही जंगल में आए हैं बकरी चराने। तो परवेज भाई डर नहीं लगता है? नहीं, डर नहीं लगता। अच्छा, तो परवेज भाई बोल रहे हैं डर नहीं लग रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत हो जाएगी तो क्या करेंगे? डंडा ले रहते हैं। अच्छा डंडा है, परवेज भाई बोल रहे हैं अगर दिक्कत होगी तो डंडा लिए हैं, डंडे से मार देंगे। तो काफ़ी अच्छा लगा परवेज भाई से मिलकर दोस्तों। परवेज भाई कोई बकरी जो है दोस्तों देख सकते हैं, बकरी देख सकते हैं, जैसे देख सकते हैं इधर, देख सकते हैं इधर, देख सकते हैं बकरियों का आनंद देखिए दोस्तों, ये बैठ कर बकरी चल रही हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, देखने में ही काफ़ी अच्छा है दोस्तों, देख सकते हैं। तो ये बकरी हैं परवेज भाई की। परवेज भाई काफ़ी अच्छे किस्म के लड़के हैं, जो कि हमारे गांव के काफ़ी होनहार लड़के हैं, दिन भर मेहनत करते हैं और बकरी वगैरह चराते हैं। कभी कभी मैं भी छोटा था तो इसी तरीके से मैं भी बकरी लेकर आता था दोस्तों। अभी जो घर वाले लेकर आते हैं तो हमें लाना नहीं पड़ता दोस्तों। तो हमने सोचा क्यों ना इसका वीडियो बनाया जाए, आपको दिखाया जाए दोस्तों। पहली दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिलेगी। फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।